यदि हम अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे आधार कार्ड में कोई ना कोई मोबाइल नंबर जुड़ा ही होना चाहिए, तभी हम करेक्शन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। कौन सा मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड में जुड़ा है ये कैसे पता करते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, जैसे कि हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और उसके सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे uidai.gov.in और इंटर की हम प्रेस कर देंगे। नीचे की तरफ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और हम जाएंगे आधार सर्विसेज। यहाँ दिख जाएगा आपको वेरीफाई एन आधार नंबर, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अपना आधार नंबर फिल करेंगे हम, कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद हम प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर का लास्ट का 3 अंक हमें दिख रहा है। अगर कोई भी मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड में न जुड़ा होता तो यहाँ पर स्पेस रहता खाली, यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर हमें ना दिखाई पड़ता।